गोलकोंडा पुलिस के भुवनगिरी एसओटी टीम और रमन्नापेट पुलिस ने ये ड्रग्स रैकेट का एक भंडाफोड़ किया है। इंटरस्टेट रैकेट है कि जिसमें आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर एरिया से अपने हैदराबाद शहर को गांजा का सप्लाई हो रहा है। चार लोगों को हिरासत में लेके इनके पास से 293 केजी गांजा और दो व्हीकल्स, उसके साथ में 8,500 रुपए नगद, दो मोबाइल फोन हमने बरामद किए। तकरीबन 43,85,000 का ये पूरा प्रॉपर्टी हमने सीज किया है। ये गैंग का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है वट्टावट तिरुपति, वो और उसका भाई कल्याण और उनके साथ में और दो लोग हैं, पाटलावत मंगत का और पंचावत रविंदर करके। ये लोग, ये चार में से दो लोग नागर कर्नूल के और दो लोग दिंडी मंडल नलगोंडा के निवासी है। आंध्र उड़ीसा बॉर्डर से बुच्ची बाबू ये दाराकोंडा का और कारम सुरेंद्र दोरा ईस्ट गोदावरी रंपचौड़ा, इन दोनों से ये लोग गांजा वहां पे परचेस करते, 2000 रुपए केजी से वहां परचेस करके यहां पे 10,000 रुपए केजी से यहां बेच रहे। कल हमें छोटूपल के पास में इनके बारे में जब समाचार मिला तो इमीडिएटली हमारे एसओटी टीम के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लू और उनके साथियों ने वहां पे इन लोगों को वहां से स्विचेस करना शुरू किया। बाद में रामनापेट में ये लोग हमें मिले, इनके व्हीकल से 294 केजी यानी 147 बैग्स, दो दो केजी का एक बैग वो हमने बरामद किया है और ये व्हीकल भी हमने रिकवर किया है। इनके खिलाफ पीडी एक्ट बुक करते फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी ट्रायल पक्का हम करेंगे और जो लोग दो फरार है वो आंध्र प्रदेश के निवासी है उनको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे। ये अच्छे काम के लिए पूरे टीम को एसओटी और अमरपेट पुलिस को हमने कैश रिवार्ड से नवाजा है, थैंक यू। उसके संक्रांति के पीरियड में काफी लोग अपने गांव चले जाते हैं, अपना घर वो ताला डालते हैं, इसके फायदा उठाते हुए कोई क्रिमिनल गैंग के जो क्रिमिनल्स है वो वहां पे चोरी करने का ज्यादा चांस रहता है। इसलिए हम लोगों को एडवांस में अभी अलर्ट कर रहे हैं, जो लोग गांव जा रहे हैं वो पुलिस को इतला दे उसके बारे में। जो अपने घर में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो कॉलोनी के जो वॉचमैन है या आपके जो रिश्तेदार है नेबर है उनको भी आप इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। कोई भी कीमती सामान हो उसमें खासकर गोल्ड सिल्वर या कैश घर में मत रखिए, बैंक के लॉकर में रखो या फिर कहीं आपके रिश्तेदारों के पास रखो। और सोशल मीडिया पे खासकर आप जो है आपके जर्नी के बारे में, आप यहां पे नहीं है टाउन में उसके बारे में ये ज्यादा उसके बारे में हल्ला मत करो, क्योंकि कई हमारा जो तजुर्बा भी है कि उसी का उसको भी मॉनिटर कर रहे ये जो हमारे क्रिमिनल्स लोग हैं तो और उसी का फायदा उठाते हुए वो चोरी कर रहे, तो इसलिए इस तरह की हरकतें मत करी। और लोग भी जो कॉलोनी के निवासी है कि जिनके नेबर अभी नहीं है उनके घर लॉक है तो वो भी कोई अनजाने आदमी एरिया में जो घूम रहे उनको भी सवाल करिए, इमीडिएटली डायल 100 या 9490617111 ये व्हाट्सएप नंबर को आप इतला दो। हमारे जो ब्लू कोर्ट पेट्रोल मोबाइल सेक्टर और SHO आपके एरिया में आ रहे कम्युनिटी मीटिंग्स के लिए उनके साथ भी आप वार्तालाप करो, टच में रहो। जो हमारे पुलिस स्टेशन से भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कम्युनिटी के, उसके जरिए भी हम लोगों को अलर्ट करेंगे। आज हमने इंग्लिश लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज में दो पोस्टर्स भी बना के लोगों को डूज और डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं, वो भी मीडिया के जरिए हम लोगों तक पहुंचा रहे, थैंक यू। खासकर ये चाइनीज मांजा जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ हम कड़े कदम उठा रहे हैं। कल भी हमने मेडीपल्ली में दो लोगों को हिरासत में लिया है, चाइनीज मांजा सीज किया, उसके साथ साथ जो एक कॉक फाइटिंग है उसके खिलाफ भी हम कदम उठा रहे हैं। कल हमने आदिवटला PS में 10 लोगों को अरेस्ट करते हुए 13 कॉक्स और 49,000 कैश, 4 बाइक्स हमने रिकवर किए हैं। उसके साथ साथ मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में भी 5 लोगों को हिरासत में लेके कॉक फाइटिंग के लिए 2 कॉक्स उनके पास से हमने सीज किए हैं। साथ साथ जो गैम्बलिंग में भी अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है उनके खिलाफ भी हम जरूर सख्त कदम उठाएंगे,
लोगों के हमारी यही गुजारिश है कि ये फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल स्पिरिट में आप मनाइए, लेकिन कोई सोशल वाइसेस में आप नहीं इंडल्ज नहीं होना चाहिए। उसके बारे में कोई भी हमें शिकायत मिले, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले, हम जरूर एक्ट करेंगे और इन्फॉर्मर का नाम जो है वो हम सीक्रेट रख के उनको रिवार्ड दे देंगे। हमारे नंबर फिर एक बार बताता हूँ, 9490617111 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आपके जरिए सभी लोगों को संक्रांति की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ।